हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल कुकिंग एकेडमी। मैं शेफ़ काजल चौबे और आज आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी। ये वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है जिससे आपको इस केक रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए इस टेस्टी केक को बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट ट्रफल केक बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट, अमूल फ्रेश क्रीम, बटर एंड चॉकलेट स्पॉन्ज। अगर आपको चॉकलेट केक स्पॉन्ज बनाना नहीं आता है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम चॉप किया हुआ 500 ग्राम डार्क चॉकलेट लेंगे और अब हम इसमें 250 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम डाल देंगे और लास्ट में हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट करेंगे, फिर हम इसे बाहर निकाल के थोड़े मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है, इसलिए हम इसे फिर से 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट करेंगे। जब तक ये ट्रफल अच्छे से मेल्ट ना हो तब तक आप इसे 30 सेकेंड्स करके ही मेल्ट करें और निकाल के चेक करें, वरना हमारी चॉकलेट जल सकती है। तो ये देखिए, हमारी चॉकलेट ट्रफल अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे क्लीन रैप करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट कर लेंगे जिससे कि ट्रफल सॉस अच्छे से सेट हो जाए और हम आराम से केक की आइसिंग और बॉर्डर कर पाए। 1 घंटे हो गई है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। ये देखिए, चॉकलेट ट्रफल अच्छे से सेट हो गई है। अब हम एक गिलास लेंगे और इसमें एक पाइपिंग बैग डाल देंगे और हमने जो ट्रफल सॉस बनाया था वो इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम केक स्पॉन्ज लेंगे और इसे ब्रेड नाइफ की हेल्प से 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। अब हम टर्न टेबल लेंगे और केक के पहले लेयर को इसके ऊपर रख देंगे और इसमें 1 चम्मच शुगर सिरप स्प्रेड कर लेंगे जिससे कि केक हमारी सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। अगर आपको शुगर सिरप बनाना नहीं आता है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब हम पाइपिंग बैग को कट करेंगे और ट्रफल सॉस को इसमें अच्छे से अप्लाई करेंगे और अब हम एक पैलेट नाइफ लेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम सेकेंड लेयर केक स्पॉन्ज को इसके ऊपर रख देंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। और अब हम लास्ट लेयर केक स्पॉन्ज इसके ऊपर रख देंगे और इस लेयर में हम सिर्फ चॉकलेट ट्रफल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम ट्रफल को केक के साइड्स में भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और स्क्रैपर की हेल्प से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अब हम केक को बोर्ड में शिफ्ट कर लेंगे। तो चलिए अब हम केक को अपने हिसाब से डेकोरेट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पाइपिंग बैग लेंगे और उसमें एक नोजल डाल देंगे और इसमें चॉकलेट ट्रफल डाल के केक पे अपने चॉइस का डिज़ाइंस बना लेंगे। चलिए अब हम केक के नीचे में भी बॉर्डर बना देते हैं जिससे कि देखने में ये और अच्छा लगेगा। केक के डेकोरेशन के लिए आप कुछ चॉकलेट प्रॉप्स बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी डिलीशियस चॉकलेट ट्रफल केक बनकर के रेडी है। मैं जब भी अपने बेकिंग क्लास में ये केक सिखाती हूँ तो मेरे स्टूडेंट इस केक की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो आप भी इस केक को ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड फॉर अपकमिंग बेकिंग एंड कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।